जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। तो मैं पंडित महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योति सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। मतलब पीछे काफ़ी समय से श्रृंखला चल रही है, शनि मार्गी होंगे तो किस राशि पर क्या प्रभाव देंगे, उसी कड़ी में अभी जो वीडियो आपके सामने बना रहे हैं वृश्चिक राशि का वीडियो है, कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 4 नवंबर 2023 को शनिदेव जब मार्गी होंगे तो उनके लिए क्या प्रभाव डालेंगे, उसी कड़ी में बात करते हैं आपसे। देखिए 4 नवंबर 2023 एक ऐसी तारीख है जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए, बहुत अच्छी तारीख है ये, और बड़े काम की भी तारीख है, अच्छी के साथ काम की भी है, क्योंकि इसी दिन शनि महाराज बकरी अवस्था यानी सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आएंगे, और जब ग्रह जगता है तो कुछ न कुछ अच्छा करता है, बड़े बदलाव की ओर संकेत करता है। तो यही पोजीशन जो वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वाले जातक हैं उनके साथ होने वाली है। शनि वृश्चिक राशि के लिए या वृश्चिक लग्न के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं। दो भावों के स्वामी, एक तो पराक्रम भाव के, दूसरे सुखेश बनते हैं चतुर्थ भाव के। पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं, पीछे काफ़ी समय से शनि का ये प्रभाव था, 2-3 साल से वृश्चिक राशि वालों का समय ठीक नहीं था। 17 जनवरी शनि चेंज हुआ, उम्मीद बनी, एक आशा की किरण पैदा हुई कि वृश्चिक राशि का अच्छा समय आएगा, लेकिन 2023 आते आते भी कोई बढ़िया परिणाम अभी तक प्राप्त शनि की तरफ से नहीं हुआ। ये पहला मौका है 2023 का कि 4 नवंबर को शनि जब जागृत अवस्था में होंगे, मार्गी होंगे, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या करेंगे। सुख भाव के स्वामी बनते हैं और सुख भाव के जो कारक हैं चंद्र देवता, वो भाग्य के स्वामी बनते हैं। भाग्य से बनते हैं चंद्रमा और सुखे से बनते हैं यहाँ शनि महाराज। हालांकि शनि में और चंद्रमा में 6-8 का आंकड़ा है, 8-6 या 6-8 का जोड़ कह सकते हैं आप इसको, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा से अष्टम भाव में शनि है भाग्य से, तो अष्टम भाव का शनि अष्टम भाव का कारक भी होता है, लंबी आयु देता है और अकस्मात धन के लाभ भी पैदा करता है। ये मैं आपको भाग्य से बता रहा हूँ कि भाग्य से शनि की जो स्थिति अष्टम भाव में है, आकस्मिक लाभ देता है और उम्र भी लंबी करता है, आयु देता है, रोग से मुक्ति दिलाता है और आकस्मिक धन के लाभ बनाता है, आध्यात्मिक ज्ञान भी शनि देता है, क्योंकि शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं, तो उसके हिसाब से भी ये वृश्चिक राशि वालों के लिए ठीक रहेंगे। वृश्चिक राशि के लिए 24 नवंबर को शनि महाराज जो सुख भाव के स्वामी बनते हैं, सत्विशा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, और ये राहु का जो नक्षत्र है बहुत अच्छा नक्षत्र इसको माना जाता है, सुलझा हुआ नक्षत्र है, ऐसे नक्षत्र वाले बड़े समझदार, सुलझे हुए, अच्छी बात करने वाले, अच्छी शिक्षा देने वाले बन जाते हैं। तो यहाँ शनि आपके लिए वही पूरा रिजल्ट दिखाएंगे, क्योंकि जिसके ग्रह में जिसके नक्षत्र में शनि गोचर करेंगे उसका अभी तो प्रभाव शनि के ऊपर रहेगा, तो सत्विशा नक्षत्र का प्रभाव भी शनि के ऊपर रहेगा। अभी शनि धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो मंगल का अपना नक्षत्र है, यहाँ भी प्रभाव बढ़िया दे रहे हैं वो, और जब सत्विशा में आएंगे तो इससे बढ़िया परिणाम वृश्चिक राशि वालों के लिए देंगे। शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, इससे पहले तीसरे भाव में थे, तो ये जो वृश्चिक राशि के लिए चतुर्थ भाव के शनि हैं, ये आपको क्या क्या आने वाले समय में प्रदान करेंगे, क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ, इसी के बारे में ये पूरा DNA आपके सामने है। शनि चतुर्थ भाव में बैठ के सबसे पहली जो दृष्टि होती है उनकी तीसरी, वो छठे भाव पर डालते हैं। छठे भाव में मेष राशि है, मंगल की दूसरी राशि है, और वहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं राहु के साथ, लेकिन 30 अक्टूबर को राहु से बृहस्पति मुक्त हो गए थे, अब 4 नवंबर को वहाँ बृहस्पति अकेले हैं और राहु का जो गोचर है वो पंचम भाव में हो गया।
तो बृहस्पति शुभ होने के साथ साथ प्रभावशाली हो गए। छठा भाव सेवा का, सर्विस का भाव होता है, नौकरी का भाव होता है। तो शनि महाराज की दृष्टि तीसरे भाव पर जाने का, छठे भाव पर जाने का मतलब यह है कि जो जातक जॉब लेस थे उनको जॉब मिले। पहली सबसे बड़ी प्राथमिकता शनि की ये रहेगी कि जिनके पास अगर जॉब नहीं था तो उनको जॉब मिलेगा। दूसरी प्राथमिकता रहेगी क्योंकि छठा भाव धन का भाव होता है, तो यहाँ धन में बढ़ोतरी होगी। तीसरा भाव ये रोग का भाव मानते हैं इसको, अगर आपको कोई रोग हो रहा है वृश्चिक राशि वालों को, उससे आपको मुक्ति दिलाएंगे शनि महाराज। ये कोई आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है, बैंक का कोई लोन ले रखा है और लोन चुकाने में आपको दिक्कत आ रही है, तो शनि आपको यहाँ आकस्मिक लाभ ऐसे हालत बनाएंगे कि आपको कहीं कहीं से लाभ प्राप्त होगा, तो सुलोन से मुक्ति पा लेंगे। क्योंकि शनि ने बहुत लंबे टाइम यहाँ बैठना है। शनि का गोचर 2.5 साल के लिए होता है, अभी तो 6-7 महीने निकले शनि को, 8 महीने, अब तो शनि कम से कम 2 साल यहाँ रहेंगे, तो ऐसे हालत पैदा करेंगे आपके लिए कि सुलोन से मुक्ति पा लेंगे। अगर कोई अपोजिशन में आपके खड़ा होगा तो सुलोन, जिसको शत्रु भी कहा जाता है, उसके ऊपर भी आप विजय प्राप्त करेंगे। जुडिशरी का कोई केस होगा, कोर्ट कचहरी का मुकदमे वगैरह, तो उसमें भी शनि आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि शनि स्वयं जुडिशरी के कारक हैं और छठे भाव में शनि को बलि माना जाता है। तो यहाँ अगर के शनि आपको बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट देंगे छठे भाव की दृष्टि से। बृहस्पति यहाँ नॉर्मल हो चुके हैं और बृहस्पति इस लग्न के लिए धन भाव के स्वामी बनते हैं, और ये दूसरा धन भाव है छठा भाव। पहला धन भाव द्वितीय भाव होता है, दूसरा धन भाव छठा होता है, और तीसरा जो धन का भाव होता है वो दसवां भाव होता है। हमारी कुंडली में 3 धन के भाव हैं, तो बृहस्पति धन भाव के स्वामी होके धन भाव के अंदर ही बैठे हुए हैं सेकंड धन भाव में, तो यहाँ से आपको धन की वृद्धि शुरू हो जाएगी। बृहस्पति आपके लिए इतना बढ़िया परिणाम करने वाले हैं। बृहस्पति भाग्य के कारक भी होते हैं, तो भाग्य को बढ़ोतरी भी कराएंगे, धन के कारक होते हैं, धन की वृद्धि कराएंगे, और आपकी कुंडली में ये धनेश बनते हैं, पंचमेश भी बनते हैं, तो जो बुद्धि बल है आपका वो बढ़ेगा, तो पंचमेश भी हैं, तो बुद्धि बल बढ़ने से आपके जो काल हैं रुकेंगे नहीं, धन की वृद्धि होगी, आपके कामों में बढ़ोतरी आएगी। शनि की दूसरी दृष्टि जो है वो आपके दशम भाव पे जाती है, और 10th हाउस होता है हमारे कर्म का भाव। कर्म हमारा प्रोफेशन, जो हम करते हैं, कोई भी काम हो, आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, दुकान करते हैं, कर्म कोई भी हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, काम कोई भी हो सकता है, उस पे जब दृष्टि शनि की जाती है तो शनि वहाँ के स्वयं कारक तो होते ही होते हैं, वहाँ के मालिक भी बनते हैं। कालचक्र कुंडली में दशम भाव के स्वामी शनि बनते हैं और ये कर्म के कारक भी हैं, और कारक और मालिक दोनों की दृष्टि सुखेश के रूप में जब दशम भाव पर जाएगी तो आपका जो कर्म है, कर्म को गति मिलेगी। तो मार्ग होने का मतलब क्या है कि बकरी अवस्था में जो कमियां थी आपके अंदर उनको उन्होंने पूरा किया, और मार्गी अवस्था में उन कमी को पूरा करके आपको गति देने के लिए शनि महाराज 4 नंबर को मार्गी हुए। आपके कर्म को गति मिलेगी, कर्म को गति मिलेगी, आप ज़्यादा धन आएगा आपके पास, ज़्यादा धन आएगा तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा, और जब बेनिफिट ज़्यादा होगा तो आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति संभव है। तो शनि जब दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपको पिता से लाभ होगा। दशम भाव राज्य सरकार का, शासन का होता है, आपको सरकार से, सत्ता से लाभ होगा। पिता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, सत्ता से लाभ होगा आपको। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो उसमें के अंदर भी आपको शनि महाराज अच्छा बेनिफिट देंगे, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका व्यापार दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने के एक रास्ते पर चल पड़ेगा। तो शनि जहाँ बैठे हैं वो केंद्र है, और केंद्र में एक सस नाम का पंच महापुरुष योग, जो स्पेशल शनि का योग होता है, उसके अंदर शनि गोचर करना है। जब सस योग बना के चतुर्थ भाव का मालिक अगर गोचर करता है तो इससे बढ़िया तो योग मेरे हिसाब से तो कोई नहीं हो सकता, कि वहाँ से वो कर्म को दृष्टि दे रहा है तो कर्म तो फलना है, और कर्म फलेगा तो सब कुछ फल जाता है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है, इसको दसवीं दृष्टि कहा जाता है,
वो आपके अपने लगन भाव के ऊपर आ रही है, आपके व्यक्तित्व के ऊपर आ रही है। समाज में आपका दबदबा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हालांकि शनि की ढैया चल रही है, लेकिन सस्योग बनाते हुए शनि का जो प्रभाव है वो आपको नुकसान कम करेगा, फायदा ज्यादा करेगा। ये जड़ तत्व राशि होती है वृश्चिक राशि, ब्राह्मण वर्ण की राशि है। तो ब्राह्मण वर्ण के लिए शनि दास है तो कभी सताता नहीं है। ये हमारे ज्योतिष का नियम है कि ब्राह्मण वर्ण को शनि कभी सताता नहीं है, क्योंकि शनि की जो पोजीशन है हमारे ग्रहों के अंदर एक दास की है। तो एक दास ब्राह्मण की इज्जत करेगा, सताएगा नहीं। तो उस राशि को वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का जो प्रभाव है बहुत ही शुभ रहने वाला है। और अगले आने वाले 8 महीने, क्या मैं तो 2 साल की बात कर रहा हूँ आपसे, 2 साल तक शनि आपको नुकसान करेगा ही नहीं, ये मेरा दावा है। क्योंकि शनि ब्राह्मण वर्ण के लिए एक अच्छी पद प्रतिष्ठा का निर्माण करता है, अच्छा सम्मान देने की कोशिश करता है। अब जो सम्मान देने की कोशिश करेगा वो आपके मान सम्मान को धक्का कैसे लगा सकता है, सोचने वाली बात है। तो शनि का प्रभाव आपके लिए बहुत नॉर्मल रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। कर्म के हिसाब से, धन के हिसाब से, आपको अगर आप व्यापार करते हैं व्यापार के हिसाब से बहुत बढ़िया है, जॉब करते हैं जॉब के हिसाब से बहुत बढ़िया है। और ख़ास करके ऐसे लोग, देखिए जो वृश्चिक राशि है, जल तत्व राशि है, तो इसके लिए जो काम है पेट्रोलियम के, लिक्विड के, डेयरी फार्म वगैरह, कृषि के काम, इन कामों को जो लोग करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदा है। दूसरा, जो शनि से संबंधित जो जातक काम करते हैं, जैसे लोहे का कोई काम है, मकान बनाने का, या कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम है, या कोई माइंस का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, सीमेंट है, ईंट है, रोडी है, बद्रपुर है, ये सामान होता है, इसका कोई काम करते हैं, तो ये काम सब वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही इस शनि के इस गोचर में जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही फलीभूत होने वाले हैं। आप जज हों, आज वकील हों, आप प्रोफेसर हों, आप टीचर हों, आप कोई जुडिशरी का काम करने वाले हों, ये सब के सब काम, ईंट भट्टा लगाने वाले हैं आप कोई, या आप होटल चलाते हैं, आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं, ये सब के सब काम इस समय शनि की जो पोजीशन है बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। जो जो जातक जो काम मैंने आपको बताए हैं, इन कामों को करने वाला कोई भी व्यक्ति होगा, सस्यों के अंदर जहाँ शनि की दृष्टि जा रही है, बहुत बढ़िया प्रभाव उसको मिलने वाला है। और आने वाला ये जो समय है 2 साल का, बहुत अच्छा वृश्चिक राशि वालों के रहने वाला है। इसमें एक छोटी सी शर्त भी है। शर्त ये है कि जन्म के समय आपके शनि की स्थिति केंद्र या त्रिकोण में होनी चाहिए। अगर आपका शनि जन्म के समय केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है तो आपके लिए जो मैंने फल बताए हैं, ये जो परिणाम है 110% आपके ऊपर सटीक बैठेगा। अगर शनि की स्थिति ठीक नहीं है, शनि जन्म के समय नीच प्रभाव में है, मेष राशि में है, या उसके साथ राहु की या केतु की युति है, या दृष्टि संबंध है, या 8वें 12वें में बैठा हुआ है, तो उस समय दिक्कत फल में आ सकती है। शनि नॉर्मल होना चाहिए, केंद्र त्रिकोण में उसकी स्थिति होनी चाहिए, और अगर महादशा और अंतरदशा भी शनि की हो तो सोने में सुहागे वाला काम है, बहुत बढ़िया प्रभाव वृश्चिक राशि वालों को रहने वाला है आने वाले 2 साल। आप ये मान के चलिए कि वृश्चिक राशि का एक तरह से गोल्डन टाइम ये शुरू हुआ है 4 नवंबर के बाद, और ये 2 साल तक लगातार बना रहेगा। राहु पंचम भाव में बैठ के अच्छा प्रभाव देगा, शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज आप स्कूल से लाभ कराएगा। बृहस्पति आपके अभी 6वें भाव में बैठे हैं, इनका गोचर भी अप्रैल के बाद आपके 7वें भाव में हो जाएगा, तो बच्चों के विवाह शादी वगैरह वहाँ भी आपको लाभ चलाएंगे बृहस्पति। तो कुल में लाभ संतोषजनक है ये वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए किसी तरह घबराने की बात नहीं, बढ़िया समय, बढ़िया मौका, बढ़िया अनुकूल टाइम है आपके लिए, बिल्कुल टेंशन ना लें, शनि आपके लिए बहुत बढ़िया प्रभाव देंगे। ये प्रोग्राम यही समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ।
अगला वीडियो लेके शीघ्र आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।